गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज मैं जो आप लोग से शेयर करने वाला हूँ, मेरा 2019 का इंटरव्यू कैसा रहा। 2018 का इंटरव्यू ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। 2019 का इंटरव्यू में दो पैनल बने थे, एक था एम सत्यवती मैम का, एक था सुजाता मैम का। मेरा जो चेयरमैन थे वो थे एम सत्यवती मैम थी, है ना। और एम सत्यवती मैम जो हैं वो केरला कैडर से जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत जगह काम कर चुकी हैं वो मैम, और बहुत ही एक्सपीरियंस था उनका। और UPSC में जो है वो उसी तरह से चार मेंबर थे, तीन टेक्निकल मेंबर्स थे और एक ये थे। इस साल का जो इंटरव्यू मेरा रहा उसमें जो है जो तीन टेक्निकल मेंबर्स थे वो तीनों टेक्निकल मेंबर्स कभी भी जो है वो प्रैक्टिकल मतलब जो है टू दी पॉइंट कभी नहीं पूछा। उन्होंने हर चीज़ डेटा एप्लीकेशंस पूछ रहा था कि ये कितना GB कितना बैंडविड्थ पे काम करता है, इसका डेटा क्या है, मतलब वो डेटा स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे हम लोग से। और चेयरमैन जो है इस बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई थी, टेक्निकल क्वेश्चन ही ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था। लेकिन 2018 का इंटरव्यू जो ऑलरेडी मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, वहाँ देख चुके हैं, वहाँ चेयरमैन ज़्यादा पूछ रहे थे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मुझे एम सत्यवती मैम बहुत कम क्वेश्चन पूछी। अच्छा, कभी कभी दिमाग में चलता है कि सर डिफाइन योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, अपना ये बताओ वो बताओ, कुछ नहीं पूछता UPSC में। भाई साहब दोनों बार इंटरव्यू दिया हूँ मैं, दो बार मैंने देखा, और सब मेरे दोस्त भी दिए, उन लोग से भी मैं शेयर किया हूँ, उन लोग भी शेयर किए कि कभी भी ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता। ये सब चीज़ें आपको जनरली जो है आपको इन्फोसिस, TCS, विप्रो या जो भी आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उसमें ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UPSC में उससे मतलब नहीं है। UPSC में डायरेक्ट वो देखते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी कैसे है लोगों को हैंडल करने का, चूंकि आप जो है एक ग्रेड ए ग्रुप ए सर्विसेज में जाएंगे जहाँ पर आपके अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं, तो उसको आपको हैंडल करना है। स्पेसिफिकली जाकर को वहाँ मैनेजरियल वर्क ही करना पड़ता है, तो उनके बारे में वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर भी मैटर नहीं करता, बट 2019 के इंटरव्यू में देखा गया कि यहाँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर कर रहा था, कि जिनका इंग्लिश अच्छा था उनको मार्क्स थोड़ा अच्छे मिले हैं जहाँ तक देखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है साउथ इंडियन ज़्यादा थे तो वो प्रीफर करते थे इंग्लिश में ही बोलना, है ना। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बोलेंगे तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो प्रीफर इंग्लिश में ही कर रहे थे। मैंने भी इंग्लिश में ही दिया था 2019 का इंटरव्यू। तो एम सत्यवती मैम का पहला क्वेश्चन था कि आपका जो हॉबीज क्या है, वो डायरेक्ट आ गए हॉबीज पे, वो डायरेक्ट अपने से पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, आपका यह नाम ये, आप इस कॉलेज से पढ़े हैं, आपका ये है, उसके बाद डायरेक्ट हॉबीज पे आ गए कि ठीक है आप रिसेंटली कौन सा मूवी देखे हैं। तो 2019 में मैंने बताया था कि आर्टिकल 15 मैंने देखा है, तो फिर आर्टिकल 15 पूछने शुरू कर दी कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 18 क्या है, ये सब जो है आसपास के जितने आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स पूछ लिया। तो मैंने दो आर्टिकल्स बता पाया था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, है ना। उसके बाद एक दो और पूछी तो नहीं बता पाया था मैंने आर्टिकल के बारे में। उनके बाद जो है उनका क्वेश्चन था कि ठीक है टेक्निकल मेंबर्स क्वेश्चन पूछे, टेक्निकल मेंबर्स जितने भी क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपका टीवी चैनल में ऊपर में लगा हुआ केबल वो कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, या कितने डेटा रेट का जो है बैंडविड्थ है, या मतलब जो है कंट्रोलर यूज कर रहे हैं कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे, तो वो पूरे के पूरे पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का जवाब दिया था, कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए थे, है ना। और कुछ चीज़ों में जो है मैंने सॉरी बोलना प्रीफर किया, चूंकि जो है उस केस में जो है क्वेश्चंस को गलत बताना बेवकूफ़ी थी, चूंकि वो गलत को पकड़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आपको नहीं आता तो श्योर आप एकदम सॉरी बोल दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ता है। खास करके अगर आपने गलत बोला तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा मॉड्यूलेट करने की कोशिश किया तो भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, है ना। तो इस तरह से हुआ इंटरव्यू मेरा 2019 का। अच्छा, 2019 का इंटरव्यू जब मैं देने के लिए गया, 2018 का इंटरव्यू में जब मैं देने के लिए गया था, तो उसमें जो है स्टाफ मेंबर्स में से एक मुझे अच्छे जान पहचान हो गई थी। 2019 का इंटरव्यू में जब देने के लिए गया तो उसमें से एक स्टाफ मेंबर फिर वही मिले और फिर मेरे से बात बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2018 में, फिर आए तो ऑल द बेस्ट फिर उन्होंने बोला था, बड़ा अच्छा फील हुआ था, है ना। और अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे जो है 2019 के इंटरव्यू में भी 100 मार्क्स मिले, है ना। तो वहाँ पे 2019 के इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स का फ्लक्चुएशन इस तरह से हुआ है कि एम सत्यवती मैम का बोर्ड में जिनको पढ़ा था उनको मार्क्स कुछ अच्छे मिले हैं, और एज कम्पेयर टू सॉरी एम सत्यवती के बोर्ड में जो जितने लोग पढ़े थे
उनके कंपेरिजन में सुजाता मैम के बोर्ड में जितने थे उनमें उनको थोड़ा सा मार्क्स का डिफरेंस देखा गया है ना, कुछ मार्क्स का डिफरेंस देखा गया है, बट हम श्योर नहीं बोल सकते हैं, बट ये सही था कि कुछ मार्क्स का डिफरेंस देखा गया कि दोनों बोर्ड के मेंबर्स में। तो एक बोर्ड बनना चाहिए, अगर एक बोर्ड बने तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आपको दो से तीन बोर्ड अगर बन गया तो थोड़ा सा मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है। मान लीजिए किन्होंने लिबरल दे दिया, किन्होंने स्ट्रिक्ट एकदम मार्क्स दे दिया, तो वहाँ दो चार मार्क्स में ही डिफरेंस में जो है कहानी खत्म हो जाती है दोस्त, है ना। तो मतलब ये है कि इंटरव्यू का सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका थोड़ा लक पे, क्योंकि लक अगर आपका अच्छा रहा तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा, लक अच्छा नहीं रहा तो आप गए काम से, है ना। लेकिन हाँ, आपके हाथ में क्या है, प्रिलिम्स है, आपके हाथ में क्या है, मेंस है। प्रिलिम्स और मेंस आप जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना बेटर आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। तो इंटरव्यू के सेक्शन में मुझे जो है दोनों बार एवरेज मिले, 18 में भी एवरेज मिले, 19 में भी एवरेज मिले, अभी 2020 का फिर से प्रिलिम्स क्लियर हुआ है, अभी फिर से मेंस में लिखूंगा, इस बार देखता हूँ क्या मिलता है। आप लोग का प्यार रहा तो इस बार देखते हैं क्या मिलता है, है ना। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए जीएस पोर्शंस को कैसे करना है, जीएस पोर्शंस को एकदम बार बार जो है थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, है ना, और अभी से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करें दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।